अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका का एक सच्चा वाकया, एक ऐसी जगह जहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। इस जगह पर जो बाहर के किसी भी फर्द को दुश्मन समझकर इन्हें मार देते थे, लेकिन कुर्बान जाऊं तबलीगी जमात वालों पर कि हिम्मत, हौसला और तकवा के साथ पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं और लोगों को दीन इस्लाम की दावत पहुंचाते हैं। आज मैं आपको फिर उन दिनों का वाकया सुनाने लगा हूं जब मैं अमेरिका की एक मस्जिद में रहा करता था। जो आज वाकया सुनाऊंगा ना, तो हो सकता है कि आपको इस पर यकीन ना आए, मुझे भी नहीं आया, लेकिन सुना इसलिए रहा हूं कि मेरे साथ बीती है, वरना इस पर यकीन नहीं आता। तो बात कुछ यूँ है कि एक दिन मस्जिद में तकरीबन असर के टाइम पे, 4-4:30 बजे का टाइम होगा, मैं बैठा था तो एक पुरानी सी वोक्सवैगन की वैन बाहर आके रुकी और उसमें से 4 लोग बरामद हुए जो साफ देखने से लग रहा था कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उन्होंने इमामे बांधे हुए थे और थोप पहने हुए थे, वो जो अरबी लिबास होता है। वो अंदर आ गए। इत्तेफाक से उस वक्त मैं और मस्जिद के इमाम साहब जो थे वो मस्जिद में बैठे हुए थे। एक साहब ने बड़ी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मुझसे कहा, स्पीक इंग्लिश। तो मैंने कहा यस आई स्पीक इंग्लिश। पाकिस्तान? तो मैंने कहा यस पाकिस्तान, ओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब कहाँ हैं जी? मैंने कहा जी अंदर बैठे हैं। चलिए जी उनसे मिलते हैं, जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अंदाज़ा लगाया कि 4 लोगों में से 3 की उम्र जो हैं वो तकरीबन 35 से 50-55 के बीच में हैं, और जिनको वो इमाम साहब बोल रहे थे ना, अमीर साहब बोल रहे थे, उनकी उम्र कोई 70 के करीब होगी। खैर मैं उनको इमाम साहब के पास ले गया। जो अमीर साहब थे उनको अरबी आती थी, उन्होंने इमाम साहब से अरबी में बात करना शुरू कर दी। दूसरे भाइयों ने सामान निकाला, गाड़ी से मस्जिद में रखा, मुझसे बातचीत शुरू कर दी। तो थोड़ी देर के बाद वो कम्फर्टेबल हो गए, उन्होंने मस्जिद में बिस्तर वगैरह बिछा लिए, वॉशरूम चले गए। इमाम साहब ने उनको छोड़ा और मेरे पास आ गए और कहने लगे कि अब आपने ना इनके रहन का, सहन का और खाने पीने का ज़रा ख्याल रखना है। तो मैंने कहा कि किस्सा क्या है? उन्होंने मुझे बताया, जो मुझे 22 साल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं उस वक्त सोफोमोर था, यानी मैं सेकंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन में था, मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था। जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी ये साल की जमात है जो पाकिस्तान में जगह है, ये सऊदी इमाम साहब हैं जो मुझे पाकिस्तानी को बता रहे हैं। तो ये वहाँ रायबंद से निकलती है सालाना इज्तिमा से, और इन्होंने साल यहाँ पैदल की जमात है, इन्होंने साउथ ऑफ US से बिल्कुल अप नॉर्थ जाना है और इन्होंने ये सफ़र तय करना है और ये पैदल चलेंगे। पैदल चलने का तरीका ये है कि जब कोई इलाका आएगा तो ये पैदल चल पड़ेंगे, जब इलाके से निकल जाएंगे तो फिर ये अपनी वैन में बैठेंगे, जहाँ पे भी जगह मिलेगी रात को टेंट लगा लेंगे, खाने पीने का सामान इनकी अपनी वैन के अंदर मौजूद है, और ये बस इस तरह चलते चलते एक साल पूरा करेंगे। मैं ज़ाहिर है बींग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने बड़ा शोर मचाया इमाम साहब के सामने कि ये कौन सा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, एंड व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ब्ला 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 ब्ला। खैर मेहमान थे, मैं उनकी खिदमत में लग गया, लेकिन मुझे उनके इस तरीके पे गुस्सा बड़ा आया। रात हुई तो उनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि हज़रत कहीं टेलीफोन बूथ पे ले चलिए, हमने पाकिस्तान वापस अपने मरकज़ पे बताना है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। मैंने कहा चलिए। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, उनको लेके टेलीफोन बूथ पे गया, उन्होंने वहाँ कॉल मिलाने की कोशिश की, टाइम का फ़र्क था, कॉल ना मिली। तो कहने लगे कि फ़ोन तो मिल नहीं रहा, अच्छा भाई को करता हूँ। पता चला उनके भाई भी तबलीगी जमात में हैं, तो उन्होंने अपने भाई को कॉल की और उनको कहते हैं कि भाई हम इस जगह पहुँच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र ठीक है, अमीर साहब ने कहा है कि आप लोगों को मुतला करें, आप मरकज़ में जाके बता दीजिएगा कि हम यहाँ पहुँचे हैं, कल यहाँ से निकलेंगे तो फ़लाँ जगह जाएंगे। फ़ोन उन्हें रखा तो कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने कहा हजरत क्या हुआ? तो कहते हैं चलें गाड़ी में बैठे, मैं बताता हूँ। गाड़ी में बैठ के मुझे कहते हैं मेरी तो वाइफ की डिलीवरी थी हजरत 2-3 दिन पहले, तो वो तो मैं पूछना ही भूल गया कि वहाँ क्या सिलसिला रहा। ये उन्होंने कहा ना तो मैं तो पहले ही गुस्सा आया हुआ था, मैं तो गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। वापस मैं मस्जिद में पहुँचा, मैंने इमाम साहब को साइड पे किया और मैंने कहा कि उनसे इंग्लिश में
कि मैं इनकी कैसे मैं इनका एहतराम कर सकता हूँ। ये तो ऐसा आदमी है कि जिसको अपनी बीवी की फिक्र नहीं है, अपना तो बता दिया कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, और उनको ये तक नहीं पूछा कि मेरी बीवी खैरियत से है, हमारे यहाँ क्या बच्चा हुआ और बोला सब कुछ। मेरे इमाम साहब बड़े खामोशी से उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा बात चीज़ें वक्त के साथ समझ आती हैं ब्रदर, आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ आएगी, आगे चल के समझ में आएगी। खैर एनीवेज दूसरे दिन जनाब वो वहाँ से चले, पहले मस्जिद से निकले, पैदल चलते चलते उन्होंने पूरा छोटा सा वो एक गांव सा कस्बा था उसको क्रॉस किया। उसके बाद वो वैन पे बैठे और कहने लगे कि हम रात जो है ना तकरीबन फलां जगह जाके, यानी वो जगह वहाँ से बनती थी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, उन्होंने कहा 10 किलोमीटर वहाँ जाके हम पड़ाव डालेंगे। ठीक है जी, 9:30 बजे के करीब, नहीं 8:30 बजे के करीब इमाम साहब मुझे कहते हैं चलें वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि जो जमात है वो प्रॉपरली उन्होंने टेंट वगैरह लगा ली है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया, हम चलना शुरू हुए। रास्ते में हम देखते जाते थे अंधेरे में कहीं रोशनी नज़र आए, टेंट नज़र आए। आखिर जाके हमें थोड़ा आगे जब हमने शहर से निकल गए तो अंधेरे में बिल्कुल एक जगह टेंट लगा नज़र आ गया, वो बत्ती सी जल रही थी। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जब मैंने टेंट लगा देखा उस जगह पे, तो मेरे तो जिस्म में ना एक कपकपी दौड़ गई। मैं हैरान परेशान, मैंने इमाम साहब को कहा कि ये तो फलां चर्च की जगह है, ये उनका पार्किंग लॉट है, ये जो पीछे है ये खाली जगह नहीं है, ये तो चर्च की जगह है। अच्छा वहाँ सिलसिला यूँ है अमेरिका में, टेक्सस में, मुझे नहीं पता अब क्या है सिलसिला, उस वक्त तो ये था कि अगर आप किसी ने आपकी ज़मीन से गुजरे बगैर इजाज़त के या वहाँ ठहर गए तो आप उनको गोली मार सकते हैं और आपको किसी किस्म का कोई लॉ जो है ना आपके ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा। तो मैंने इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब जल्दी से अंदर चलें, इनको यहाँ से उठाएं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो गोली चल जाएगी, वो तो इनको मार देंगे, इनको समझ ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ कैसे चलता है, देखें ये कोई करने की बात है। ये हम बोलते बोलते टेंट में दाखिल हो गए। टेंट में अमीर साहब जो थे वो बिल्कुल सुकून से बैठे जिक्र कर रहे थे और बाकी के लोग जो थे ना वो कुछ खाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा ब्रदर आप बिल्कुल सही टाइम पे आ गए हैं, आएँ साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैंने शोर डाल दिया, मैंने कहा आप यहाँ से फौरन खाली करें, यहाँ तो गोली चल जाएगी, आप भी मरेंगे हमें भी मरवाएंगे, ये तो टेक्सस है, यहाँ तो गन्स रखते हैं लोग, और आप चर्च की जगह पर ऐसे टेंट लगा के बैठ गए। इमाम साहब के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। कहते हैं हाँ वो भी तो हमारे अहले किताब है ना, हमारे भाई हैं, मसलक में मज़हब में हमारे भाई हैं, आने दें उनको, हम उनको समझा लेंगे। मैंने कहा अमीर साहब कौन समझाएगा, आपको तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती। कहने लगे ब्रदर आप हैं ना, आप समझाएंगे। इंग्लिश में मैंने बोला तो वो भी कुछ टूटी फूटी इंग्लिश, उर्दू, अरबी में उन्होंने इमाम साहब को भी बोला। खैर मैं बड़ा झुंझलाया, 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरा, दिल मेरा धक धक करे किसी भी वक्त कुछ हो जाएगा, वही हुआ। अचानक हमें ना बाहर गाड़ियों की लाइट्स, ये जैसे पीछे आप इलाका देख रहे हैं तो इसमें से लाइट्स ना टेंट के अंदर आते नज़र आई। किसी ने माइक, वो जो लाउड स्पीकर होता है, पकड़ा और अंग्रेज़ी में टिपिकल टेक्सस के एक्सेंट में बोला कि ये आप लोग फौरन यहाँ से निकलो, कौन हो वरना हम गोली चला देंगे और ये सब कुछ। तो इमाम साहब कहते हैं क्या बोल रहे हैं, और वो टिपिकल टेक्सन एक्सेंट था, वो अंग्रेज़ी किसी की समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं जल्दी से यहाँ से निकलो, सामान उठाओ वरना हम गोली चला देंगे। इमाम अमीर साहब के चेहरे पे एक अजीब सी पुरसकून मुस्कुराहट आई और उन्होंने वो बड़ी मशहूर जो सूरह यासीन की आयत है वो पढ़ी कि वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फख्शाइना हूँ फ़ाहम ला यबसरून, कि ये इनके आगे भी दीवार और पीछे भी दीवार और उनको नज़र नहीं आता। खैर मुझे उस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी, वो तो उस दिन के बाद मुझे इस आयत का पता चला कि ये है क्या और इसमें कितनी पावर है। तो हमारे इमाम साहब भी ऐसे सर झुका के, हाफिज़ुल कुरान थे, आलिम थे, उन्होंने भी ऐसे सर झुका लिया और साथ ही एक आखिरी वार्निंग उन्होंने दी। 1 मिनट की खामोशी हुई और ताबड़तोड़ गोलियाँ चलना शुरू हो गई, इतनी तेज़ी से इतनी गोलियां उन्होंने चलाईं कि बस ऐसे लग रहा था कि वॉर जोन है। और गाड़ियां भी इतनी ही दूर खड़ी थीं जितना मैं हूं और ये पीछे थोड़ा सा ये जो खुला इलाका है, गोलियां चलती थीं और एक गोली टेंट को नहीं लग रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि गोलियां कहां से जा रही हैं। आवाज़ भी आती थी कि गोलियां आसपास से गुजर रही हैं।
और वो एम भी खेमे का कर रहे थे, टेंट का कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे कोई जिन आ गए हैं यहाँ पे, पता नहीं कोई क्रिमिनल्स हैं। जितनी उन्होंने गोलियां चला सकते थे वो अगले 15-20 मिनट तक वो लोग गोलियां चलाते रहे। जब उनके मैगजीन्स बिल्कुल खाली हो गए ना, तो इमाम साहब, अमीर साहब मुझे कहते हैं कि भाई जाइए उनको बताइए कि हम कौन हैं और किस लिए आए हैं। तो मेरे तो जान नहीं, मैं तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं, इतनी गोलियां मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा चलती देखी थी, और वो भी पॉइंटेड एट मी, मेरी तरफ। मैंने कहा किसी एक भाई को मेरे साथ भेजिए, मेरी तो टांगे कांप रही हैं। उन्होंने एक भाई को साथ भेजा, उन्होंने कहा आओ भाई, इसमें क्या बात है, आप चलिए, आप गुफ्तगू करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बाहर मैं पहुँचा हूँ तो तकरीबन 4 ट्रक थे, उनके अंदर 7-8 लोग थे, और जैसे टेक्सस के फिल्मों में देखते हैं मोटे मोटे भारी भारी जीन्स पहनी हुई, गन्स पकड़ी हुई। वहाँ पे मैं पहुँचा ना तो वो तो हक्का भक्का ऐसे हैरत से मुझे देखने लगे, कहते हैं हु आर यू गाइस, आप लोग हो कौन। मैंने उनको कहा कि जी ऐसे हम दीन के काम करते हैं, मुसलमान हैं, आपके भाई हैं, हमारा मज़हब भी हज़रत इब्राहिम से चला है, आपका भी चला है। वो तो बिल्कुल उनके पास लफ्ज नहीं थे। उन्हें कहा आप जिंदा हो। मैंने कहा हाँ जिंदा हैं, क्यों। उन्हें कहा हमने तो अपनी पूरी गोलियाँ आपके टेंट पे खाली कर दी, एक गोली भी नहीं आई अंदर। मैंने कहा नहीं, मैं तो समझ रहा था शायद आप इधर उधर चला रहे हो। तो वो चूंकि मेरा एक्सेंट जो था वो टेक्सस वाला था, और मैं उनसे बड़ा डाखाना मिला लिया कि आई लिव एट दैट प्लेस एंड आई डू दिस काइंड ऑफ वर्क, तो वो कहने लगे कि ये, और मैंने अपने आप को अलग कर लिया, मैंने कहा ये पाकिस्तान से आए हैं, आई लिव हेयर एंड आई एम जस्ट हेयर टू सी देम। मैंने कहा ये लोग कौन हैं कि जिनके ऊपर एम करके हमने गोलियाँ चलाई हैं और एक गोली भी इनको नहीं लगी। मैंने कहा फिर तो अब यही है कि आप अंदर आ जाओ और वो खाना खाने लगे हैं, साथ बैठ जाओ। तो ख्वातीन हज़रात, उस दिन वो 10-12 लोग, मेरा ख्याल है 8-9 लोग मेरे साथ टेंट में आए, वो वहाँ बैठे, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने इस्लाम के बारे में सुना, वो मुतमईन हुए, लेकिन इस हैरत के साथ वापस गए कि एक गोली भी उस दिन टेंट में बैठे हुए लोगों को नहीं लगी। अब ये ज़ाहिर है यकीन ना आने वाली बात है, मुझे भी आज तक यकीन नहीं आया कि गोलियाँ क्यों नहीं लगी, जबकि उन्होंने हंड्रेड्स में चलाई होंगी। 20 मिनट तक आप ज़रा सोचिए कि 6-7 बंदूकें चलेंगी, ऑटोमेटिक राइफल्स, तो कितनी गोलियां चल गई होंगी। इसमें अब एक बात है जो हमें ना अपने कल्चर में इस वक्त बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बात हमें समझ में आए और तभी हम उसको माने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी ठीक बात है ना वो सिर्फ हमारे साथ ही हो रही हो, जो भी हमारा मुखालिफ नज़रिया है ना वो हमेशा गलत ही हो। ज़रूरी नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है वो ले रहा है, और अल्लाह ताला के पास ताकत है वो जिस वक्त जिसको बचा ले। इसलिए सुकून में रहें, खुश रहें, दूसरे को इज्जत दें, दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, और मुतमईन होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया।